हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो रिलेशनशिप को लेकर के है लिब्रा बेस में। तो चलिए ये देख लेते हैं कि कैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो, जब आप फाइल ओपन करेंगे और उसे सेव करेंगे तो इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको चले जाना है डिजाइन व्यू पर और पहला टेबल डिजाइन करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट का रोल नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख दिया हमने रोल नंबर, ओके। और फिर यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं। आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। तो चलिए नंबर ही कर देते हैं। अब यहाँ पर आएगा स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ जाएगा और डेटा टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे। फिर यहाँ पर स्टूडेंट का क्लास आएगा, तो यहाँ पे क्लास कर देता हूँ क्लास, ओके। और इसे रखेंगे हम टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और यहाँ से अब इसको सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट टी के नाम से इसे सेव कर देता हूँ, स्टूडेंट टी सेव कर दिया। लेकिन यहाँ प्राइमरी की असाइन नहीं की है, तो यहाँ पर हमें जाकर के और राइट क्लिक कर देना होगा और इसे बना देना होगा प्राइमरी की, यानी कि रोल नंबर प्राइमरी की है। अब इसको सेव करता हूँ, तो स्टूडेंट टी के नाम से इसे सेव कर देता हूँ, स्टूडेंट टी, एंटर प्रेस किया तो ये सेव हो जाएगा। अब इसको क्लोज कर देता हूं, तो ये हमारी पहली टेबल बन गई स्टूडेंट टी के नाम से। अब दूसरी टेबल बना लेते हैं, यहां से डिजाइन पे जाते हैं और यहां पर दूसरी टेबल में हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसे रखेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप। और फिर रोल नंबर, तो रोल नंबर तो रखना ही होगा, एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर रोल नंबर कर दिया हमने। आपको याद होगा कि उस समय हम क्या दे रहे थे, जबकि हम इसको एक पहले नाम दे देते हैं, यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट आर, आर रिकॉर्ड, ठीक है। और प्राइमरी की असाइन नहीं की, तो यहाँ से जाकर के इसे प्राइमरी की बना देते हैं, रजिस्ट्रेशन को प्राइमरी की बना देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को, ठीक है। और अब इसको क्लोज करता हूँ, इसको एक नाम दे देता हूँ आर रिकॉर्ड आर, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया और इसको अब क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से आ गया है। और यहाँ पे जो पहला टेबल हमने बनाया था उसमें स्टूडेंट का डेटा टाइप क्या रखा था वो हमें देखना है, तो इसे डिजाइन व्यू पे लेना होगा, यहाँ से जा करके और एडिट पे जाना होगा। तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं रोल नंबर न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नंबर डेटा टाइप हमने रखा है, तो यहाँ पर भी हमें नंबर ही रखना होगा, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। तो यहाँ पे जा करके इसे एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब इसको नंबर डेटा टाइप बना लेता हूँ न्यूमेरिक, ठीक है। अब इसको सेव करना है, सेव कर दिया। अब इसको क्लोज करता हूँ, डबल क्लिक करके ओपन करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। तो 1001 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर 1 है। इसी तरह से 1002 ये सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर 2 है। इसी तरह से 1003 ये थर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर 3 है। ऐसे ही करके हम और भी रिकॉर्ड एंटर करा सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। स्टूडेंट टी पे चलते हैं, यहाँ पे रोल नंबर 1 और स्टूडेंट का नाम राम और क्लास है इसका 11th, ठीक है, ये कर दिया हमने। फिर इसी तरह से रोल नंबर 2 और स्टूडेंट का नाम सचिन और क्लास है 12th, तो ये 12th लिख दिया। इसी तरह से रोल नंबर 3 और स्टूडेंट का नाम सीमा और यहाँ पे क्लास है इनका 10th, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट के डेटास हमने एंटर कराए और इसको अब क्लोज कर देते हैं। रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, टूल्स में जाकर के यहाँ रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ऐड टेबल आ जाएगा। अब आपको पहला रिकॉर्ड और ये जो हमने पहले टेबल बनाई थी स्टूडेंट की, इन दोनों को यहाँ पे ले लेना होगा, ठीक है। इसको मैं इस साइड रख लेता हूँ क्योंकि ये दूसरी बार हमने टेबल बनाया था, दूसरा टेबल। तो ये अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रोल, इस रोल नंबर को इस रोल नंबर से लिंक करा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं रिलेशनशिप ये क्रिएट हो गई है इस